हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी यू कैरियाटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड यू कैरिओटिक ट्रांसक्रिप्शन में भी सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी आर एन ए पॉलीमरीजिज विच आर इन्वॉल्व इन दी यू कैरिओटिक ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस तो आर एन ए पॉलीमरीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आर एन ए पॉलीमरीजेज जो भी यू कैरियोट्स में होते हैं इनको हम थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं फर्स्ट जो कि न्यूक्लियस में पाए जाएंगे तो उन्हें बोलते हैं न्यूक्लियर आर एन पॉलीमरेजेज दूसरे होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाएंगे अगर प्लांट्स की बात हम कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट के आर एन पॉलीमरेजेज एंड देयर इज वन मोर ऑर्गेनल विच कंसिस्ट ऑफ आर एन पॉलीमरेजेस एंड इट इज माइटोकॉन्ड्रिया सो माइटोकॉन्ड्रिया में भी आर एन पॉलीमरेजेस प्रेजेंट होते हैं हम एक एक करके तीनों को डिस्कस करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है जो आपको याद रखना है वो है आर एन ए पॉलीमरेजेज विच आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल सो न्यूक्लियस के अंदर जो आर एन ए होते हैं उन्हें हम लिखते हैं आर एन ए पॉल वन पॉल टू एंड पॉल थ्री वन टू एंड थ्री यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का भी हम ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे कि क्या होते हैं तो सबसे पहले हम न्यूक्लियर आरएनए पॉलिमरेजेस को डिटेल में डिस्कस करते हैं सो so, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो कितने उसका कितना मॉलिक्यूलर वेट होता है तो अगर हम आरएनए पॉलीमरेज ए यू की बात करें तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है ऐसा बोला जाता है कि ये काफ़ी लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं काफ़ी बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड दे मोस्टली हैव द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मोर देन फाइव हंड्रेड किलो तो 500 हंड्रेड किलो डेल्टिन से ज़्यादा इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है एंड इट आर एन ए पॉलीमरेज इज बेसिकली अ मल्टी सब यूनिट प्रोटीन मल्टी सब यूनिट प्रोटीन का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी सब यूनिट्स से मिल के एक ये प्रोटीन बना हुआ है मल्टी सब यूनिट प्रोटीन है और कितनी सब यूनिट्स मोस्टली होती हैं तो हम बोलते हैं एट टू ट्वेल्व सब यूनिट्स आर देयर इन दी आर एन ए पॉलीमरेज ऑफ यू एट टू टेन सब यूनिट्स होती हैं। अब क्या होता है कि RNA polymerase जो होता है वो एक पर्टिकुलर इनहिबिटर होता है जिसके लिए टॉक्सिन है नाम का एक toxin है। और आर और ए पॉलीमरेज इसके काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है एंड दिस टॉक्सिन इज बेसिकली सिक्रीटेड बाय अ मशरूम जिसे हम बोलते हैं अमान्यता फेलॉइडिस सो ये एक मशरूम है एक फंजाई है जो इस आ, पर्टिकुलर टॉक्सिन को सिक्रीट करता है और ये टॉक्सिन जाके टारगेट करता है आरएनए एन को तो अगर गलती से किसी ने वो मशरूम खा ली

ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो वाले एंजाइम्स हैं ठीक है तो अब क्या चीज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टाइप के आर एन होते हैं तो टाइप वन टाइप टू एंड टाइप थ्री तीन टाइप के आर एन न्यूक्लियर वाले हमने डिस्कस करे हैं अगर हम अल्फा अमानिटिन की सेंसिटिविटी के रिस्पेक्ट में इन्हें डिस्टिंग्विश करें तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं तो वो देख लेते हैं तो आर एन ए पॉलीमरेज वन जो होता है वो रेजिस्टेंट होता है अल्फ़ा अमेनिटिन के रेजिस्टेंट है तो ये अल्फा अमेनेटिन टॉक्सिन की प्रेजेंस में भी काम करेगा ट्रांसक्रिप्शन करेगा एंड बेसिकली इट ट्रांसक्राइब्स मोस्ट ऑफ द आर आर एन ए दैट इज़ राइबोजोमल आर एन ए इज़ बीइंग ट्रांसक्राइब्ड बाई द आर एन ए पॉलीमरेज वन विच इज़ रेजिस्टेंट टू अल्फ़ा अमेनिटिन टॉक्सिन आर एन ए पॉलीमरेज टू जो होता है वो वेरी सेंसिटिव होता है अल्फा अमेनिटिन के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इसकी प्रेजेंस में काम नहीं कर पाएगा एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एम आर एन ए तो मेजर काम जो है यू में आर एन ए पॉलीमरेज टू करता है क्योंकि एम आर एन ए की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है जो जाके प्रोटीन सिंथेसिस में बेसिकली हेल्प करेगा

Uh, क्या होता है कि आर एन पॉलीमरेज थ्री जो होता है ये स्पीशीज स्पेसिफिक है तो मतलब कि किसी पर्टिकुलर स्पीशीज में अलग टाइप का आर एन पॉलीमरेज थ्री भी हो सकता है किसी और स्पीशीज की बात करोगे तो उसके अंदर थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकता है आर एन पॉलीमरेज थ्री का एंड इट कोड्स फॉर दी आर एन दैट इज ट्रांसफर आर एन अलोंग विद फाइव एस आर आर एन एंड U6 SNRNA. अब U6 SNR, कौन सा है ये जो स्प्लाइसियोजोम में प्रेजेंट होता है जो स्प्लाइसिंग में हेल्प करते हैं और फाइव एस आर आर एन ए की जो हम बात कर रहे हैं ये एक स्मॉलर सब यूनिट है राइबोजोमल आर एन ए की तो आप यहाँ देख सकते हो कि आर एन ए पॉलीमरेज न्यूक्लियस वाले तीन टाइप के हैं वन टू एंड थ्री इनमें से सबसे ज्यादा सेंसिटिव जो अल्फा अमेरिटिन टॉक्सिन के होता है वो है आर एन ए टू एंड इट कोड्स फॉर दी एमआरएनए जो मेजर आर एन ए है अब यहाँ क्या चीज़ आपको याद रखनी है तो आपको सभी कुछ चीजें याद रखनी है जैसे कि आर एन ए पॉलीमरेज वन कोड्स फॉर आर आर एन ए आर एन ए टू कोड्स फॉर एम आर एन ए एंड थ्री कोड्स फॉर टी आर एन ए इसके अलावा जो एडिशनल ये पॉइंट्स लिखवाए हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है चलो तो हमने न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेज तो डिस्कस कर लिया अब माइटोकॉन्ड्रियल एंड क्लोरोप्लास्ट भी डिस्कस कर लेते हैं तो माइटोकॉन्ड्रियल एमटी हेयर डिनोट्स द माइटोकॉन्ड्रिया सो माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए पॉलीमरेज एंड द क्लोरोप्लास्ट आरएनए पॉलीमरेज तो इन दोनों में क्या चीजें होती हैं तो अगर हम माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए पॉलीमरेज की बात करें तो ये कोड किया जाता है बाय दी न्यूक्लियर जीन्स ओनली न्यूक्लियस की जीन्स ही आरएनए पॉलीमरेज माइटोकॉन्ड्रिया वाला बनाएंगी तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है खुद से माइटोकॉन्ड्रिया अपना आरएनए पॉलीमरेज नहीं बना सकता इसीलिए क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया को हम एंडोसिम्बायोंट बोलते हैं क्योंकि यू कैरियोटिक सेल पे न्यूक्लियस पे बेसिकली काफी ज्यादा डिपेंडेंट होता है काफी प्रोटीनस के लिए तो वो चीज हमें याद रखनी है तो माइटोकॉन्ड्रियल आर एन ए पॉलीमरेज इज कोडेड बाई दलियर जीन ओनली एंड इट इज अट्रो डायमर माइटोकॉन्ड्रियल पॉलीमरेज एक हेट्रोडाइमर है डायमर इन द सेंस की इट कंसिस्ट ऑफ टू सब यूनिट्स ओनली सो देर आर टू सब यूनिट्स बट बोथ दीज सब यूनिट्स आर डिफरेंट फ्रॉम इच अदर इसीलिए यूज कर रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रियल आर एन ए एक हेट्रोडाइमर है दो प्रोटीन सब यूनिट से मिलकर बना होता है क्लोरोप्लास्ट आर एन ए पॉलीमरेज में याद रखनी है ये काफी इंपॉर्टेंट है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर एन ए एक जिसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट एनकोडेड तो जो क्लोरोप्लास्ट खुद बनाता है क्लोरोप्लास्ट एनकोडेड आरएनए एन और दूसरा होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया वाले की तरह ही न्यूक्लियस की जीन्स बनाती हैं सो देयर इज अनदर वन विच इज न्यूक्लियर एनकोडेड सो एज वीव डिस्कस्ड माइटोकॉन्ड्रियल पॉलीमरेज इज ओनली कोडेड बाई दिलियर जीन्स बट क्लोरोप्लास्ट आर एन ए पॉलीमरेजेज बाई द्लोरोल्फ वेल दी अदर इज कोडेड बाई द्यूक्लियस अब यहाँ क्या होता है जो क्लोरोप्लास्ट एंड कोडेड आर एन ए पॉलीमरेज होता है इसे जाना जाता है कि इसका जो स्ट्रक्चर है विज वेरी सिमिलर टू दू बीरियल आर एन ए पॉलीमरेज यू बैक्टीरिया बैक्टीरिया ट्रू जो है उनके आर एन ए पॉलीमरेज से काफी मैच करता है इसलिए हम बोलते हैं इवॉल्व सेल्स के अंदर आ गए और एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी सारी इसी पे बेस्ड है ठीक है तो क्लोरोप्लास्ट एनकोडेड वाला आर एन ए पॉलीमरेज यू बैक्टीरिया की तरह दिखता है यू बैक्टीरिया के आर एन ए पॉलीमरेज की तरह दिखता है इसीलिए तो इसे, इसे यू बैक्टीरियल टाइप भी बोल सकते हैं एंड दी क्लोरोप्लास्ट आर एन ए पॉलीमरेज इज कोडेड बाय न्यूक्लियस हैज अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू दैट ऑफ टी सेवन फाज सेवन बैक्टीरियो फाज जो होता है उसके आर एन ए पॉलीमरेज की तरह बेसिकली क्या है बैक्टीरियो फाज है उसका खुद का आर एन ए पॉलीमरेज नहीं है वो एक वायरस है तो वो uh, जो बैक्टीरिया के uh, बैक्टीरिया को जब इन्फेक्ट करता है और उसके आर एन पॉलीमरेज को यूज करता है अपने डी uh, को ट्रांसक्राइब करने के लिए तो उसकी तरह कुछ न्यूक्लियस एनकोडेड आर एन दिखता है तो यहाँ पे याद रखने वाली चीज है कि न्यूक्लियर आर एन आर ऑफ थ्री टाइप्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं वन टू एंड थ्री

टाइप्स आगे आने वाली वीडियोस में हम यू कैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे इस टॉपिक को और डिस्कस करेंगे अबाउट द यू कैरियोटिक प्रमोटर स्ट्रक्चर एंड देन वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट द इनिशिएशन इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ यू कैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन थैंक्स अलॉट